स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स टूडे विल स्टार्ट दी हाइपोथिस हाइपोथिस मैंने पहले भी इस टर्म्स के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है कि हाइपोथिस क्या होता है इट इज़ ए टेंटेटिव प्रोडिक्शन ऑफ एनी रिसर्च स्टडी और एनी प्रोडक्शन ऑफ द आउटकम्स जैसे आप मान लो कहीं आपका कुछ मार्केट का प्लान बनाए या फिर कुछ आपको परचेस करना है तो आप यही प्रडिक्ट करके जाते हो ना कि हम जो खरीदने जा रहे हैं वो हम खरीद के लेके आएंगे मान लो यू वॉन्ट हैव फाइव सारीज़ फॉर योर वेडिंग ठीक है तो वेडिंग के लिए आप पांच सारी खरीदना इज़ योर टारगेट दिस इज़ आप यही प्रडिक्ट करके जाओगे ना कि मैं पांच सारी ले जाऊँगी या फिर उससे ज़्यादा भी आ जाएगा तो ये प्रडिक्शन करके आप जाते हो ठीक है बट आपका वो प्रोडिक्शन सही होता है नहीं होता है दैट इज़ अनदर मैटर बट यू प्रडिक्ट मतलब दिस इज योर हाइपोथिस दैट इट इज़ योर टेंटेटिव प्रोडिक्शन ओके तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथिस लर्न वट इज वट इज रिटर्न ओवर हियर इज़ ए फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर द स्टडी अब दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप शो करना जैसे अब मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी अब जब मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगी तो अब आपको बताऊंगी कि दो स्टेटमेंट का रिलेशनशिप हम कैसे देखते हैं इफ़ वी इफ़ वी जनरेट एनी हाइपोथिस ओके नेक्स्ट विल सी हाइपोथेसिस हेल्प्स टू ट्रांसलेट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू टू ए प्रोडक्शन सॉरी प्रोडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ द रिसर्च स्टडी वही मैंने बताया हम जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारा टारगेट रहता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना हमारा टारगेट है तो हम उसी से रिलेटेड ही रिजल्ट प्रोडिक्ट करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जेक्टिव था कि आ, मुझे आज के आ, अपनी शॉपिंग खत्म करनी है आपके वेडिंग की ठीक है तो वाज योर ऑब्जेक्टिव तो आपका ये ऑब्जेक्टिव आप पूरा करने के लिए उसी से रिलेटेड आपने प्रडिक्शंस किया कि आज आपको आपका शॉपिंग ख़त्म करना है तो आपका प्रोडिक्शन क्या होगा कि आज के डेट में मैं इतनी साड़ी ले आऊँगी तभी मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा अंडरस्टैंड okay. तो दिस इज़ कॉल दी इम्पॉर्टे और हाइपोथीसिस ए क्लियरली स्टेटेड हाइपोथीसिस इंक्लूड द वेरिएबल्स टू बी मैनुपुलेटेड और मेजर्ड अब मैन्य वेरिएबल्स का मैनुपलेशन मैं आपको बताऊँगी जब मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगी कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हैं सॉरी कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स कैसे मैनुपुलेट होते हैं इस हाइपोथिस कंड जनरेशन में ठीक है दी फॉमुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द थियोरी बिल्डिंग ये सब ठीक है आप लोग को मेन लेट्स हाइपोथिस प्रोडिक्शन और एक्सप्लेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ये मैं आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ गुड एंड हैड्स का भी एक डेफिनेशन है यू कैन ऑल्सो गो विध दिस डेफिनेशन नाव विल सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथिस हाइपोथिस अगर हमारे पास नहीं हो तो हमको क्या प्रॉब्लम आएगी हो गया। फिनिश 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 करो फिनिश करो यहाँ